अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VOBSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस्लामिया 201 का लेक्चर नंबर 9, नॉलेज एंड इट्स इस्लामिक कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि VU के फाइनल टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं, सिर्फ 15 से 20 दिन रह गए हैं, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं लेक्चर बनाऊँ, क्योंकि मुझे भी अपना पढ़ना होता है। इसके बावजूद काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि लेक्चर्स कंटिन्यू करें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कंफर्म नहीं है कि मैं पूरे लेक्चर कंप्लीट कर पाऊँ या नहीं, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली जितने भी नई वीडियो हैं वो आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर है हमारा नॉलेज एंड इट्स इस्लामिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। तो वो ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू रिलीजियस टर्मिनोलॉजीज एंड यूज इन कुरान एंड हदीयत, नॉलेज वो ये कह रहे हैं कि कुरान के मुताबिक और जितने भी रिलीजियस भी हमारी मालूम है उसके मुताबिक हदीयत नॉलेज, नॉलेज जो है इज़ द वन डेट विच अल्लाह सेंड आउट थ्रू हिज प्रॉफिट फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, नॉलेज जो अल्लाह ने सेंड की है वो अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सेंड की है। ठीक है, किस लिए सेंड किया? ताकि वो अपने बंदों तक उसको पहुँचा सकें। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं वो कि इंसान का जो पहला ऑब्लिगेशन है, यानी कि पूरे इंसान का जो पहला फ़र्ज़ है, यानी कि अल्लाह और उसका रसूल को मानना, उसके बाद जो उसके ऊपर फ़र्ज़ होता है कि वो इल्म हासिल करे, यानी टीचिंग ऑफ इस्लाम। ठीक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कहेंगे कि उन्होंने जो चीज़ करी है और क्या नहीं करी उसको वो जाने और उस पर अमल करे। ठीक है, तो डिपेंड करता है नॉलेज में, अगर हमें मतलब नॉलेज ही नहीं होगी तो हम किस तरीके से जज कर पाएंगे और अपनों में। ठीक है, यानी कि नॉन मुस्लिम और मुस्लिम में। ठीक है, तो वो इस तरीके से कह रहे हैं कि पहला ऑब्लिगेशन जो है आफ्टर ईमान के और बिलीफ के टू लर्न एंड टीच, यानी पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ। ठीक है, इसके बाद वो एक कह रहे हैं कि हम जो है लर्निंग और टीचिंग हासिल कर सकते हैं बाय ओरल कन्वर्सेशन, यानी हम बोल के या सुन के। ठीक है, या हम ऑब्जर्व करके, जैसे कि उन्होंने बताया कि पास में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बातें कही थी, तो उन लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशन से उसको देखा, उस पर अमल किया और उसको एक जगह लिख लिया। ठीक है, यानी उनके मरने के बाद, यानी उनके मरने से पहले जितनी चीज़ें थी उन्होंने उसकी ऑब्जर्व की और एक जगह लिख ली, ताकि वो उसको फॉलो कर सकें और दूसरों तक आगे पहुँचा सकें। ठीक है, उनके डीड्स एंड एक्शन। ठीक है, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि नॉलेज को हासिल करने का एक तरीका ये भी है कि आप बुक्स पढ़ें। ठीक है, यानी रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। ठीक है, तो फिर इस चीज़ के बाद ये हमारे एक समझने के काम बन गया, एक मेथड बन गया कि हमें नॉलेज चाहिए तो हमें बुक्स से हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हेयर आफ्टर बुक्स वर रीड एंड प्रिस्क्राइब है, जैसे कि पहले बुक्स किताबें पढ़ी जाती थी, पहले तो किताबें लिखी गई थी उस ज़माने में, लिखी गई इस पर पढ़ी गई, लेकिन आज जो है सिर्फ किताबें पढ़ के उस पर अमल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आज चल रहा है किताब, तो एक तरीका बता रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन से सुनने से उसके बाद बुक से भी हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं और करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि कोई भी अगर मतलब ईमान रखता है तो, यानी ईमान रखता है तो उसको चाहिए, यानी कि अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसके रसूल पर भरोसा रखता है, तो उसका फ़र्ज़ है कि वो तालीमात पे अमल करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजी है। ठीक है, कौन सी नॉलेज? नॉलेज ऑफ इस्लाम। ठीक है, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अगर वो नॉलेज हासिल करता है तो सिर्फ वो नॉलेज हासिल नहीं कर रहा, वो जहाद भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फ़र्ज़ है, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है मुसलमान मत औरत पर। ठीक है, तब प्रॉफिट हु सेड द एफर्ट ऑफ अ मैन एक्वायरिंग नॉलेज इज काइंड ऑफ जिहाद इन अ पार्ट। ठीक है, ये एक जिहाद होता है, इज अ काइंड ऑफ जिहाद इन अ पाथ ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह से जिहाद करता है वो नॉलेज हासिल करता है। ठीक है, जो कि इस जिहाद को वो अल्लाह के बहुत करीब ले जाता है। और इसके आगे बस वो ये कह रहे हैं कि जो इस्तेमाल नहीं करता ज़ाहिर सी बात है वो उसके लिए एक क्राइम है ये कि वो इल्म हासिल नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, फिर वो ये आगे बोलने के भाई के फॉर्च्यून, यानी कि खुशकिस्मत है वो जो क्योर करे, जो नॉलेज हासिल करे उस पर अमल करे और दूसरों तक पहुँचाए, बस ये इसमें कहा गया। ठीक है, फिर वो एग्जांपल दे रहे कि जैसे कि ऑल क्रिएचर्स है, एंजल्स इन हेवन, द आर्ट्स ऑन द अर्थ, ठीक है, यानी फरिश्ते हैं आसमान पे, ज़मीन पे, ये चूटियाँ वगैरह हैं, एंड फिश इन द ओशन, दो समंदरों में फिश है, लव दैम एंड प्रेयर फॉर दैम, वो सब अल्लाह ताला की इबादत करती हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में सिंपल ये बताया गया था। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा व्हाट हैपन इफ नॉलेज इज डिवाइड ऑफ फेथ, यानी कि अगर कोई ऐसी नॉलेज चलानी जिन ऐसी कोई नॉलेज जो ईमान से खाली हो, तो पढ़ते हैं इसमें क्या है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि वन कैन ओनली रियलाइज इम्पैक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि अगर एक बंदा है उसके पास नॉलेज है, ठीक है, इन एवरी फील्ड ऑफ, यानी कि अगर एक बंदे एक फील्ड में नॉलेज हासिल कर रहा है, वो एक बंदा
और यानी इस बंदे को आप स्कॉलर का नाम दीजिए कि वो स्कॉलर इस फील्ड में तालीम हासिल कर रहा है वो, और वो एक पर्सन जो जो जंगल में रहता है यानी उसको तालीम के शऊर नहीं है, उसको शऊर ही नहीं है कि तालीम में क्या है, जो जंगल में रहता है ठीक है, फॉर्म एजुकेशन आउटलेट ठीक है। तो वो कह रहे हैं अनडाउटेबली डिफरेंस बिटवीन दम यानी कि उनका डिफरेंस जो होगा विल बी मच बेटर देन द रिसेंबल्स ठीक है, उनके दिखने में भी फ़र्क होगा और बहुत मतलब लिटरेट होगा डिफरेंस, क्योंकि एक पढ़ा लिखा और जहन में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा ठीक है। तो कॉन्क्लूजन क्या होगा, कॉन्क्लूजन ये होगा कि वो एक साथ नहीं रह सकते ठीक है। तो वो एक डिफरेंस बता रहे हैं कि तालीम कितनी ज़रूरी है आपको दुनिया में रहने के लिए भी, और उसके जैसी बात है आखिरत में तो है इस चीज़ की ठीक है। तो वो डिफरेंस बता रहे हैं आप लोग, अनपढ़ जो जंगल में रह रहा है और तालीम वो तो आपस पर रह नहीं सकते। तो ये काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल दी गई है आपको समझाने के लिए। तो आगे चलते हैं, उसके बाद ये आयत दी गई है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या लिखा है, लेजर यू आउट ऑफ योर मदर वोम, यहाँ हमें पता है सर्टिफिकेट तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। इसके आगे वो ये कह रहे हैं कि मोरब अल्लाह टॉच पेपर के अल्लाह ताला ऑलरेडी बता चुका है कि आप किस तरीके से मुझे पाना चाहते हैं, तो आप बुक्स को पढ़ें यानी कि जो भी तालीम दी गई है। इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मुझे किस तरीके से पा सकते हो, तो ये है कि अल्लाह ताला ने अपना मैसेंजर भेजे हैं उनकी बातों पर अमल करें, और जो बुक सेंड की गई है यानी कुरान मुझे उस पर अमल करना, उसको पढ़ें ठीक है। तो आगे चलते हैं ठीक है। फिर वो ये कह रहे हैं कि नॉलेज जो एक समंदर है जिसकी कोई लहरें नहीं ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ द नॉलेज दैट ब्रिंग्स बेनिफिट इन द वर्ल्ड एंड द हेयर आफ्टर ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि तालीम ऐसी चीज़ है जो आपको फ़ायदा देगी इसकी इस दुनिया में भी और हेयर आफ्टर यानी मरने के बाद भी ठीक है। नो बडी कैन कंप्रेस ऑल नॉलेज एंड फॉर्मस नॉलेज अकॉर्ड बाई द पीपल। इसके आगे वो ये कह रहे हैं कि हर बंदा नॉलेज हासिल करता है ठीक है, लेकिन पूरी नॉलेज कभी भी हासिल नहीं कर सकता ठीक है। वन इज़ ऑलवेज सुपीरियर देन अदर, यानी कि अगर हम नॉलेज हासिल करते हैं तो वो हो सकता है कि हमें कोई हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो या कम नॉलेजेबल। तो इस तरीके से बताया गया देयर इज़ ऑलवेज वन हु इज़ सुपीरियर इन नॉलेज एंड दैट इज़ अल्लाह, क्योंकि अल्लाह है यानी कि उसे हर चीज़ का इल्म है ठीक है। एक इंसान इतना इल्म हासिल नहीं कर सकता, सिर्फ इन पर इसमें ये बताया गया है। इसके बाद ये आयत दी गई है, ये आप पढ़ लीजिएगा ठीक है। तो हम आगे चलते हैं ठीक है। तो ये इसमें आयत पढ़ लीजिएगा, इसमें आखिरी लाइन में ये वो कह रहे हैं कि अल्लाह इज़ टू ग्रेट टू सेंड अ ह्यूमन बींग एज अ मैसेंजर ठीक है। ठीक है, अगर अल्लाह चाहता तो हमारे मदद के लिए फरिश्ते भी भेज सकता था, लेकिन उसने इंसान की शक्ल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि हम उन्हें देख के एग्जाम्पल सेट कर सकें ताकि हमारे आसानी के लिए ठीक है। तो आगे एक और आयत दी गई है, इसको हम देख लेते हैं, इसको पढ़ लीजिए एक मरतबा। इसके आगे वो ये कह रहे हैं कि दिस वॉज एन इन्वेंशन ऑफ द पीपल ऑफ क्रैश, के क्रैश का कोई मसला होता था कुछ पूछने के लिए डाउट्स वगैरह के लिए, तो वो ये कहते थे कि पीपल्स से मालूम करो यानी उन लोगों से मालूम करो जिनको नॉलेज है ओल्ड एंड न्यू ट्रीटमेंट के ठीक है। तो ये सिंपल से हमें बताया गया। तो आगे एक आयत दी हुई है, इसको भी आप पढ़ लीजिए एक मरतबा, हम इसको देख लेते हैं ठीक है। इंडीड मोस्ट ऑफ देम नो नॉट द ट्रुथ एंड देयर फॉर रन अवे, तो ये इसने बताया गया, तो इसको हम देखते हैं। तो वो इसमें कह रहे हैं जैसे प्लेस डरते इस्लामिक नेशन हैज़ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, इस्लामिक नेशन को चाहिए उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को बताएं सही क्या गलत क्या है ठीक है, ताकि वो उस पर फॉलो कर सकें ठीक है। अब वो जो है वर्शिप करते हैं आइडियल्स की, एनिमल्स की, सच एज काउस और प्लेट्स ठीक है, यानी भूतों की पूजा, जानवरों की ठीक है, गाय वगैरह की, सच एज प्रोडक्ट्स ठीक है, कन्वर्शन डेट या वर्शिप ब्रिंग्स टेम टू द टू अल्लाह, तो ये समझते हैं कि ये वर्शिप जो है हम अल्लाह के करीब करेगी कि उन्हें सही और गलत का बताया नहीं ठीक है। बट एक्चुअली वर्शिप सम टाइम अदर देन अल्लाह, लेकिन वो जो है अल्लाह के अलावा किसी और की वर्शिप कर रहे होते हैं ठीक है। तो हमारा फर्ज है कि हम पढ़ें तो दूसरों को सिखाएं ताकि वो सही रास्ते पे आ सकें। फिर वो ये कह रहे हैं कि आगे जाके कि कुछ जो है वर्शिप करते हैं ह्यूमन इंटेलेक्चुअल यानी कि इंसानों ने जो किया जिस पर अमल करते हैं, जैसे कि साइंटिफिक दौर है उसमें कहते हैं देर इज़ नो गॉड, बिलीव डेट देर इज़ नो गॉड एंड डेट मैटर टू इंस ऑफ लाइफ ठीक है। तो उसका क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, टू अफेयर एंड इग्नोर इज कन्वर्शन ऑफ हेयर आफ्टर ठीक है। वो यकीन ही नहीं करते कि गॉड है और एंड इग्नोर के हेयर आफ्टर भी कोई चीज़ है यानी कि मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी है, तो उस पर वो अमल नहीं करते। विच डेट लैक इन द ट्रू नॉलेज एंड मेक देन इग्नोर थ्रू ऑफ हेयर आफ्टर ठीक है। तो इसको वो मना करते हैं। इसके आगे वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से उनको निकाला जा सकता है, कि रेस्क्यू किया जा सकता है, कि कुछ पता ही नहीं है कि वर्चुअल ऑफ गॉड हेयर आफ्टर के बारे में, किस तरीके से इसको उनको हम निकाल सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया है, जाहिर सी बात है जब हमें नॉलेज होगी, जब हम दूसरों को बताएंगे तभी वो इसको गलत समझेंगे, तभी वो सीधे रास्ते पर आएंगे ठीक है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि कुछ को नॉलेज होती है, कुछ को हम समझाते हैं तो फिर भी वो समझते हैं, फिर भी और उसको नेगेटिव लेते हैं, तो फिर ये एक इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं, फिर वो ये कह रहे हैं कि इसकी एग्जाम्पल कि अल्लाह टेल स्टोरी ऑफ पास्ट नेशन, उन्होंने पास्ट नेशन की स्टोरी बताई है कि वो गेट शेयर ऑफ नॉलेज था उनके पास ठीक है, बट उनके पास नॉलेज थी सब कुछ था, लेकिन क्या वो फेथ पे यकीन नहीं करते थे जो कि उनके लिए बर्बादी का सबब बनना था। है तो पता है फेथ है तो ईमान है, फो फेथ टू एक्नॉलेज द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, इस तरीके से वो अल्लाह ताला का कर्म हासिल नहीं कर सके ठीक है, बिकॉज दे हैड टू मच यूनिटी ऑफ एक्नॉलेज द एविडेंस टू ठीक है। तो आगे आयत दी गई है, इसको पढ़ लीजिएगा, फिर चलते आगे। अब इसमें लिखा हुआ है टू दिस कल्चर साइंटिफिक, बट यानी
हमारा कल्चर ऐसा हो गया आज तक के साइंटिफिक है, यानी कि दुनियावी तालीम में और जो साइंटिस्ट ने क्या दिया उस पर हम अमल कर लें। मुसलमान की बात में ये बताया गया ठीक है, एंड वर्ड ऑफ फिस पे इट इज नॉट अफेक्टेड एनी बिलीफ इन हायर आफ्टर, और फिर वो हेयर आफ्टर पर यकीन भी नहीं रखते ठीक है, तो ये सब तो बच्चों बताया गया है। फिर वो ये कह रहे हैं कि आगे जब पर्सन ऐसा पर्सन हो जिसके पास सिर्फ दुनिया की नॉलेज हो और वो हेयर आफ्टर से बिल्कुल ही गाफिल हो, तो क्या ऐसा बंदा क्या हैप्पीनेस पा सकता है? तो कह रहे हैं द आंसर इज नेगेटिव, क्योंकि ऐसा बंदा कभी भी मतलब इनर पीस हासिल नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके आगे उन्होंने और बताया कि इसके आगे उन्होंने ये बताया कि जितना भी बंदा जो है मोर एडवांसमेंट गेट हिज नॉलेज दुनियावी नॉलेज हासिल करता है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ पीपल हु फ्रिक्वेंट ऑफिस ऑफ फिलोसोफी एट प्रेजेंट। ठीक है, तो वो उतना ही साइको हो जाता है, यानी कि नफसियाती हो जाता है। एग्जाम्पल दी गई है, ज़रूरी नहीं है ये हो, लेकिन एक एग्जाम्पल उन्होंने दी गई है समझाने के लिए कि अगर वो टोटली दुनिया की नॉलेज पर डिपेंड करता है आखिरत पर ना करे। ठीक है, ये बताया गया, तो वो कह रहे हैं कि पीपल आर एनशियस, यानी कि इतफाक नहीं करते इस बात पे कि डेट सिंपल लाइफ ब्रिंग मोर हैप्पीनेस, ठीक है, सिंपल लाइफ जो होती है ज़्यादा हैप्पीनेस करती है। ठीक है, मटेरियल लाइफ तो वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, लेकिन फैक्टर सिंपल लाइफ होती है वो पीस को जन्म देती है, तो ये सिंपल इसमें बताया गया आगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें। इसके आगे फिर वो ये बता रहे हैं फिजिकल साइंस हो गई, ठीक है, साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने क्या किया, एटॉमिक बम बनाया, न्यूक्लियर बनाया, बायोलॉजिकल बम बनाया, ठीक है, एंड एज पार्ट ऑफ डिस्कवर ऑफ द प्रिंसिपल विच बम्स आर बेस्ड ऑन फुली अवेयर ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल वर्क, ठीक है, इस बम से मिलियंस ऑफ पीपल किल्ड हो सकते हैं, तो ये बम यूज़ करने चाहिए या फिर नहीं। द सेम थिंग इज ट्रू फॉर द एक्सपर्ट हु मेक रॉकेट्स, ठीक है, जिन्होंने रॉकेट्स बनाए टू कैरी सच बम्स, जो इस बम को लेकर जा सकें, येट द बम हैव बीन एंड कंटिन्यू टू मेड बाई पीपल, तो इस तरीके से मेड बैक ये सब किसने बनाया, इंसानों ने बनाया। ठीक है, साइंस एंड नॉलेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन, का वो कह रहे हैं कि साइंस एंड नॉलेज है वो रिस्पॉन्सिबल इसकी पोल्यूशन की, सीज एंड रिवर्स की, ठीक है, प्लांट्स एंड ट्रीज की, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। फिर वो उसमें ये बोल रहे हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में उन्होंने केमिकल मिला के इसको टेस्टलेस कर दिया, ठीक है, तो जो हम खा रहे हैं तो यानी उसका साइज़ बढ़ाने के लिए, यानी कि टमाटर उसके अंदर केमिकल मिला के ताकि वो जल्दी हो गए हैं, उसका साइज़ बड़ा हो जाए, ठीक है, तो इस तरह केमिकल मिला के हम लोग उसको खाते हैं तो हम उसका शिकार बनते हैं। तो वो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि वर्स देन डेड स्टेट पीपल नाउ ईट देयर ओन फूड, ठीक है, जो जिसको मना किया गया पीपल वो चीज़ खा रहे हैं, इस तरीके से वो समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, सर्टेन टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, नॉलेज हैज बीन यूज टू प्रमोट इन मॉरेलिटी, ठीक है, ठीक है, वो इस चीज से बोल रहे हैं आगे के ऑप्शन से एम प्रोपेगेंडा आर्ट और टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन में जो हमें दिखाया जाता है हम उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, उसी पर अमल कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से बता रहे हैं कि हमारे इस दौर में साइंटिफिक के दौर में क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से बोल चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फिर वो ये कह रहे हैं एंड में कि ऑल दिस थिंग्स हैव आर प्रेजेंट रिलेशन दिस वर्ल्ड, ठीक है, ये सिर्फ टेम्परेरी सारी चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें भाई यकीन नहीं है आफ्टर पे, वो सिर्फ बोलते हैं वो गॉड खुदों की पूजा करते हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि ऑल दिस थिंग्स हैव आर प्रेजेंट रिलेशन इन वर्ल्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट, फिर ये सारी चीज़ें उन्हें पता चलेंगी इस पर डे ऑफ जजमेंट में। ठीक है, वे ऑल द फेथ विद आवर डिफरेंस लाइफ, जो उन्होंने जिंदगी में फैसले लिए, ठीक है, विल दे देन अलाउ देयर स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है, दुनियावी नॉलेज जो उन्होंने हासिल की उस पर लोग अमल कर रहे थे, क्या ये लोगों को आखिरत में कामयाब करेगी या नहीं, ठीक है, तो इन द लाइफ ऑफ हिज हेयर आफ्टर लाइफ, ठीक है, तो डेफिनेटली नहीं करेगा। तो सर पर इसमें यह बताया गया इस लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका लेक्चर नंबर 9 कम्प्लीट हो गया। सिंपल इसमें यह बताया गया था कि नॉलेज है इस्लामिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस्लाम की नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है, आपको हासिल करनी चाहिए, हर मर्द और औरत का फर्ज है। ठीक है, एंड इसके इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो बताया गया कुछ आयत के जरिए इसमें बताया गया, कुछ वाक्यात के जरिए और कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज के जरिए इसमें बताया गया। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका लेक्चर नंबर 9 कम्प्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, आपको वीडियो लाइक नहीं करके लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।